नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आप लोग जानते होंगे भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जिसे स्मार्ट मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के तौर पर। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का 1 मई 2024 को लगभग 8:30 बजे इसका सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखा जाए पनडुब्बी रोधी युद्ध में यह मिसाइल सिस्टम बेहद अहम होने वाला है, और यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, और स्मार्ट मिसाइल को युद्धक जहाज के साथ ही तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल अपनी अधिकांश उड़ान कम ऊंचाई पर हवा में पूरी करती है और अपने लक्ष्य के नजदीक जाकर मिसाइल से टारपीडो रिलीज होकर पानी के भीतर लक्ष्य को एक नया अंजाम देती है। दोस्तों, आप लोग यहां तक इसे नोट कर लिए होंगे। कैनिस्टर आधारित इस मिसाइल सिस्टम में कई आधुनिक सब सिस्टम है, जिनमें दो चरणी सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टुएटर सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम शामिल है। यह सिस्टम एक कम वजनी टारपीडो को बतौर पेलोड साथ लेकर उड़ान भरती है, जिसमें पैराशूट आधारित रिलीज सिस्टम होता है। आज के परीक्षण में टारपीडो के मिसाइल सिस्टम से अलग होने और अन्य तकनीकों के पहलुओं की जाँच भी की गई है। इसमें दोस्तों देखा जाए सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टुएटर सिस्टम, एक्टुएटर सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम इसमें शामिल किया गया है। देखा जाए जब इसका पहला परीक्षण किया गया था, इसका स्मार्ट का पहला परीक्षण 5 अक्टूबर 2020 को अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, और यह अधिकतम सीमा और ऊंचाई के लिए मिसाइल को उड़ान की जांच करने और उनको टारपीडो को छोड़ने और वेग कटौती तंत्र की तैनाती के लिए प्रदर्शन का परीक्षण का हिस्सा था, और जो कि बेहद ही अहम इसकी जानकारी थी। दोस्तों, ये था इसका पहला परीक्षण, 5 अक्टूबर 2020 को किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो इसका दूसरा परीक्षण किया गया था, दूसरा परीक्षण 13 दिसंबर 2021 को स्मार्ट का दूसरा परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर ओडिशा से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। पूरे प्रक्षेप पथ की निगरानी इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलोमेट्रो सिस्टम, डाउन रेंज इंस्ट्रूमेशन और डाउन रेंज जहाजों सहित विभिन्न रेंज रडार द्वारा की गई थी। मिसाइल में एक टारपीडो पैराशूट वितरण प्रणाली और रिलीज तंत्र भी शामिल था। तो यहां तक इसका जो दूसरा परीक्षण था मित्रों, वह 13 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक किया गया था, और जो इसका तीसरा परीक्षण है कल यानी कि 1 मई 2024 को किया गया था। 1 मई 2024 को आईटीआर बालासोर ओडिशा से हल्के वजन वाले टारपीडो को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए तीसरा स्मार्ट मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। परीक्षण के दौरान संपूर्ण रेंज क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिसे ग्राउंड आधारित कनेस्टर लॉन्चर सिस्टम का उपयोग करने के लिए किया गया था, और परीक्षण में वेग नियंत्रण, इजेक्शन संभावित और पृथक्करण की पुष्टि भी हुई है, और जिसमें एक नेविगेशन के साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली और दो चरणी ठोस प्रणोदन प्रणाली सभी मिसाइल वस्तुकला का हिस्सा था। तो दोस्तों, यह सिस्टम के पेलोड में एक परिष्कृत हल्के टारपीडो और एक पैराशूट आधारित रिलीज तंत्र शामिल है। भारत का यह स्मार्ट मिसाइल काफी ताकतवर माना जाता है। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 को फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, थैंक यू।